तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। मोस्ट मच अवेटेड मूवी गदर 2 सिनेमा घर में तहलका मचा रही है भाई साहब। जैसी उम्मीद थी उम्मीद पर खरी उतरी मूवी। देखो सनी देओल ये नाम है ना, जब जब ये नाम सामने आता है तो एक्शन अपने आप दिमाग में घूमने लग जाता है। या दोस्तों अगर सिंपली मैं मूवी को डिफाइन करूं एक दो लाइन में तो यस, गदर 2 की कहानी गदर फर्स्ट पर फोकस करके बनाई गई है। नया आपको इसमें कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ जब भी सनी पाजी स्क्रीन में आएंगे ना वो काफी होगा आपके लिए कि व्हाई यू आर हियर। सनी पाजी का एक एक सीन एक एक एक्शन रियलाइज कराएगा कि आप आखिर क्यों आए हो गदर 2 को देखने के लिए। ऑब्वियसली सनी पाजी को देखने के लिए। जी दोस्तों मास मूवी है तो मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई मासी एक्शन मूवी होती है तो स्टोरी लाइन और लॉजिक यहाँ मैटर नहीं करता। आप एक साथ कितनों को मार दो पीट दो सब सही है, हथौड़ा मार के गाड़ी पलट दो, आप हैंडपंप उखाड़ दो, आप बिना हथियारों के हथियारों से लैस पूरी फौज को उड़ा दो, भाई साहब अगर आप लोग इस कमी को देखने में रह गए तो आपको गदर 2 का मजा कतई नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मूवी में आपको एक्शन एक्शन और बस एक्शन ही मिलेगा, वो भी द वन एंड ओनली सनी पाजी के द्वारा। दूसरा गदर 2 में कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। अनिल शर्मा जो डायरेक्टर है ये बंदा 2001 की गदर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। फुल नॉस्टैल्जिया क्रिएट करा गया है पूरी मूवी, ऐसा लग रहा है पास्ट में चल रही है। ऐसा होता है ना कि सेकंड पार्ट में थोड़ा हटके कहानी दिखाई जाती है जिससे कि उसके फर्स्ट पार्ट का चैरिटी का हो या फिर एडवांटेज का हो ना मिले। जैसे बाहुबली आई थी उसका सेकंड पार्ट में आपको एक बार भी आपको बाहुबली फर्स्ट की याद नहीं आई होगी, बस बाहुबली 2 हावी थी क्योंकि उसकी कहानी अलग थी। हाँ कनेक्शन था लेकिन कहीं भी फर्स्ट पार्ट इंटरफेयर नहीं करके गया था। लेकिन यहां गदर 2 में ऐसा लग रहा है अनिल शर्मा गदर फर्स्ट को बार बार लेकर आ रहे हैं ऑडियंस के सामने, सिंपथी मांग रहे हो पूरी मूवी को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों मूवी की लेंथ 3 घंटे की है। बाकी भाई साहब सनी पाजी तो सनी पाजी है, जब भी स्क्रीन्स में आएंगे तहलका मचाते आएंगे। उनके द्वारा डिलीवर करा गया एक एक डायलॉग, उनके द्वारा किया गया एक एक एक्शन ऑल आर रेस्पेक्टली ऑसम। मतलब 66 की उम्र में सनी पाजी के द्वारा ऐसी फाड़ू परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वही तारा सिंह है जिसे 2001 में छोड़ा था नौजवान गबरू टाइप और जब मैदान में उतरता तो लाशों की ढेर लगा देने वाला। जी हाँ दोस्तों जो उठा उठा के पटका है पाकिस्तानी फौज को सनी बाजी ने, ऑसम है यार। दिल से रिस्पेक्ट है सनी बाजी के लिए और बस मूवी का फेस भी यही है। हमने 3 घंटे की इतनी लंबी मूवी जिसमें कुछ नया नहीं है देखा ही इसलिए क्योंकि हमें सनी बाजी को देखना था, अपने तारा सिंह को देखना था। बाकी की अदर कास्ट में मजा बिल्कुल नहीं आया। उत्कर्ष जो जीते का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सनी बाजी के बेटे का रोल कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में काफी स्क्रीन्स दी गई हैं इनको लेकिन मजाल है इस बंदे से अच्छी एक्टिंग हो गई हो। सेम सकीना को इतना मेकअप लगा के ओवर कर दिया गया है, बिल्कुल बेकार। अमीषा पटेल की भी एक्टिंग कहीं ना कहीं ओवर देखने को ही मिली। डायलॉग डिलीवरी इस बार अमीषा से अच्छी ना हो पाई। मेन विलेन मनीष वाधवा ने भी अच्छा कैरेक्टर पकड़ने की कोशिश करी लेकिन अमरीश पुरी को कौन रिप्लेस कर पाएगा भाई साहब, नो वन कैन एंड विल रिप्लेस हिम। कुछ सीन्स में मनीष वाधवा भी ओवर एक्टिंग करते नजर आए हैं। बाकी ओवरऑल मूवी बिल्कुल एवरेज है। बस मूवी की आन बान शान है तो सनी पाजी हैं। अगर तारा सिंह का वही रुतबा देखना है तो यस गदर 2 एक बार जाकर जरूर देखो। बाकी हाँ VFX में उतना ध्यान नहीं दिया गया है, विजुअल्स में उतना ध्यान नहीं दिया गया है, बाकी VGM ठीक ठाक है और बस एक्शन और कहानी पर ही फोकस करा गया है। कहानी वो भी पास्ट की कहानी गदर फर्स्ट की कहानी पर फोकस करा गया है। तो जो बंदे हॉलीवुड लवर्स हैं, KGF जैसे एक्शन मूवी के लवर्स हैं, अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे कि शायद हमें ये देखने को मिल जाए गदर 2 में तो भाई मत जाना, निराशा ही हाथ लेगी क्योंकि यहाँ VFX और विजुअल्स पर उतना काम नहीं किया गया है। मुझे ना अनिल शर्मा का विजन ये समझ नहीं आ रहा है, वो अभी 2001 वाली ऑडियंस के चुंगल में ही फंसे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बिहाफ पर यह मूवी को तैयार करा गया है। तो बाकी मूवी मस्त है, मैंने तो खूब तालियां और सीटियां बजाई जब भी सनी पाजी मैदान में आए। बाकी इतना कहूंगा कि एक्शन के मामले में किसी का किसी की जान से कहीं ज्यादा अच्छी है गदर 2। तो जाओ फैमिली ड्रामा एंटरटेनिंग मूवी है, एंजॉय करो। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपने भी गदर 2 देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी और दोनों ही पार्ट देख लिए हैं तो आपको बेस्ट कौन सा लगा, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।